शारदाबा जी को वही वरदान दिया। इसीलिए देखो कौशल्या माँ को जगह जगह बता दिया भगवान ने, दशरथ जी को कभी नहीं बताया। भोलेनाथ और भी कारण बताते हैं, प्रताप भानु का कारण बताते हैं, राजा था किस प्रकार सारे संसार को जीता। एक दिन एक राजा मिल गया जो इससे हारा हुआ था, साधु बना हुआ था, उसके प्रभाव में आ गया। उसने धोखे से ब्राह्मणों को आहार में मांस मिलवा दिया। उस समय ब्राह्मणों ने इसको कुल सहित राक्षस होने का श्राप दिया। ये राक्षस, ये रावण और इसका मंत्री विभीषण, ये श्राप के कारण हुआ। भोलेनाथ कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पार्वती जी, धरती पर जब धीरे धीरे पाप ज्यादा बढ़ने लगे, राक्षस बढ़ने लगे। राक्षस कौन है? राक्षसों के अलग से सींग नहीं होते। पार्वती जी कोई अलग जाति नहीं है। राक्षस जो माँ बाप का सम्मान ना करते हो, जो साधु संतों का सम्मान ना करते हो, साधु संतों से सेवा कराना चाहते हो, सेवा कराते हो, जिनके ऐसे आचरण होते हैं भवानी, वही राक्षस होते हैं। राक्षस बढ़ने लगे, समाज में पाप बढ़ने लगा। एक दिन रावण का पाप इतना बढ़ा कि धरती गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। भोलेनाथ कहते हैं, अतिशय देख धर्म कई हानि, अतिशय देख धर्म कई हानि, परम सभीत धराव कुलानी, परम सभीत धरा कुलानी, गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही जैसे मोही गयो एक पर क्रोही। ब्रह्मा जी, आपने मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, इतने बड़े बड़े झरने नदी बना दी, लेकिन मुझे इनका बोझ नहीं लगता। लेकिन एक पापी का बोझ भी मैं सहन नहीं कर सकती। रावण जैसे पापी का बोझ मुझे सहन नहीं होता। पाप सबसे भारी है, इसका भार मैं उठाने में असमर्थ हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई इसका निराकरण तो भगवान ही करेंगे, चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब भगवान के बाद चलने की बात आई, सबने कहा, कोई कहता है भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है भगवान गोलोक में मिलेंगे, कोई कहता है भगवान शीर सागर में मिलेंगे। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती मैं भी उन भीड़ में खड़ा था, मैं भी खड़ा था, मैं भी सुन रहा था। सब बता रहे थे वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे। मैंने भी कहा, भाइयों सुनो, अरे मेरी बात भी सुनो, भगवान को प्राप्त करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं, मैंने उस समय देवताओं के बीच में हाथ उठाकर कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, अग जग मैं सब रहित विरागी, अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम के प्रभु प्रकट ही जिमी आगी, प्रेम के प्रभु प्रकट ही जिमी आगी। मैंने कहा, भगवान को प्रेम से पुकारो, भगवान यहीं आ जाएंगे। भगवान के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल प्रेम की जरूरत है, प्रेम से पुकारो। सब देवताओं ने मिलकर एक सुर में भगवान की प्रार्थना की, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पावल भगवंता, गोद हितकारी जय असुरारे सिंधु सुता प्रिय कर्ता, पालन सुर करनी अद बुझ करनी मरम न जान कोई, जो सहज के पाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। आप हमारे स्वामी हैं, क्यों कहें, काम हमें है,
हम क्यों कहें आप जगत के सबके स्वामी, आप असुरों के भी स्वामी हैं? नहीं नहीं, जय जय सुर नायक, आप हमारे नायक हैं, आप पर हमारा अधिकार है, आप हमारे नायक हैं। सबने भगवान से प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा अब समय आ गया है, बहुत जल्दी मैं दशरथ कौशल्या के यहाँ पूरब में, इन्होंने बहुत तप किया है, मैं इनके यहाँ आऊंगा। ऐसा कह के प्रभु अंतर ध्यान हुए, ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को आदेश दिया, सब अपने अपने रूप धरो, अंशों के साथ सब जन्म लो, और भगवान की सेवा का अवसर सबको मिले, सब अपने अपने अंशों से जन्म लेकर चले। और कथा को गोस्वामी जी अयोध्या में लाते, अयोध्या बड़ी सुंदर नगरी है, उनके राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनिरारु, अवधपुरी रघुकुल मनिरारु, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ, दसों दिशाओं में उनका प्रताप है, इंद्र भी अपने सिंहासन पर बराबर में स्थान देता है, धर्मज्ञ हैं, धर्म धुरंधर हैं, अयोध्या का राज्य है, देवताओं में पूरा सम्मान है, धरती की तो बात क्या है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी गोस्वामी जी कहते हैं, एक दिन महाराज बहुत उदास हो गए, एक दिन मन में बहुत ग्लानि उठी, क्या ग्लानि, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, हे ग्लानि मोरे सुत नाही, हे ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ जी के मन में आया, बड़ा विषाद हुआ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, मन में विषाद हुआ, मन में दुख हुआ, और दुख किसके सामने कहना चाहिए, जगत से दुख नहीं बताना, रामायण बताती है, दुख किससे कहना चाहिए, भगवान से। और निज दुख सुख सब गुर ही सुनाए हूँ, निज दुख सुख सब गुर ही सुनाए हूँ, कहीं विशिष्ट बहुविधि समझाए हूँ, कहीं वशिष्ट बहुविधि समझाए हूँ। सीधे गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव के चरणों में लेट गए, गुरुदेव ने उठाया, क्या बात है महाराज, आप जैसे धर्म धुरंधर ज्ञानी के आंख में आंसू, क्या बात है। गुरुदेव मेरे कोई पुत्र नहीं है, फिर क्या हुआ, विधि का विधान है, इसमें पुत्र ना होने से कौन सा संकट है, क्या आवश्यकता है पुत्र की। गुरुदेव मेरा नाम कैसे चलेगा, गुरुदेव ने कहा कैसी बात करता है, क्या पुत्र से नाम चलता है, आज तक इस दुनिया में किसी का भी नाम उसके पुत्र के कारण नहीं चला है, आज कोई हरिश्चंद्र को जानता है, कोई प्रहलाद को जानता है, जिसको भी जानता है उसके पुण्य के कारण जानता है, उसके बेटे के कारण आज तक किसी का नाम नहीं चला है। राजन तुझे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, बेटे के कारण नाम नहीं चलता, नाम अपने व्यवहार से अपने पुण्य से चलता है। महाराज रोने लगे, गुरुदेव को दया आ गई, गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, राजन तेरे घर में एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, ये गुरु का वचन है, गुरु का विश्वास है, चार पुत्र होंगे, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा तेरे लिए चार पुत्र का जन्म होगा, तेरे त्रिकालदर्शी हैं गुरुदेव वशिष्ठ, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब ब्रह्मा जी ने कहा सूर्यवंश के पुरोहित बन जाओ, तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, क्यों, मैं क्यों बनूं किसका पुरोहित, पुरोहित बनकर उसके लिए पूजा पाठ करना पड़ेगा, मुझे क्या लालच है, मुझे क्या लोभ है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों किसी का पुरोहित बनूं, मैं किसी का पुरोहित नहीं बनूंगा।
भजन करना अपने लिए करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ इस वंश में भगवान अवतार लेंगे, भगवान का जन्म होगा, इसलिए तुझे कह रहा हूं, तुझे एक दिन गौरव मिलेगा, भगवान के गुरु होने का गौरव तुझे मिलेगा। तब से वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के कहने पर पुरोहित बने इस सूर्य वंश की। प्रतीक्षा करते हैं हर राजा की, इस वंश में जितने भी राजा हुए उन सब की बड़ी मदद की, महाराजा दिलीप, महाराजा रघु, दिलीप के पुत्र नहीं था, गौ सेवा बताई, पुत्र उत्पन्न हुआ, पूरे वंश की बड़ी देखभाल गुरुदेव वशिष्ठ ने की। आज दशरथ जी को भी गुरु जी ने वरदान दे दिया, तेरे एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र काम यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, खुद यजमान बने। यज्ञ हुआ और यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं यज्ञ भगवान आहुति, जैसे ही पूर्ण आहुति पड़ी, प्रसाद लेकर खीर का कटोरा लेकर उस यज्ञ से प्रकट हुए, वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने प्रसाद लिया, महाराज दशरथ को दिया, इसे रानियों में बांट दो। महाराज दशरथ ने दो भाग किए, एक भाग धर्मपत्नी कौशल्या को दिया। धर्मपत्नी, देखो धर्मपत्नी कौशल्या जी है, विवाह कौशल्या जी के साथ हुआ है, कई साथ विवाह तो हुआ लेकिन महाराज इनके रूप पर रीझ गए, इसीलिए इनका विवाह कई के साथ हुआ। धर्मपत्नी कौशल्या जी है, आधा भाग कौशल्या जी को दिया, जो आधा भाग बचा उसके दो टुकड़े किए, एक भाग केकई जी को दिया, जो चौथाई भाग बचा उसके पुनः दो भाग किए, और दो भाग करने के बाद एक भाग कौशल्या को और एक केकई को दिया कि अपने हाथों से तुम महारानी सुमित्रा को दे दो। ऐसी कथा आती है कि केकई जी ने प्रसाद को फेंक दिया, मुझे क्या खरीद कर लाए, मैं रानी नहीं हूं, मुझे बाद में दिया प्रसाद, मुझे थोड़ा दिया प्रसाद, फेंक दिया। और ऐसी कथा है उस फेंके हुए प्रसाद को एक चील ने पकड़ लिया और उड़ने लगी, महेंद्र पर्वत के ऊपर से उड़ रही थी, वहां माँ अंजनी एक शंकर भगवान जैसे पुत्र के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना कर रही थी, और जैसे ही चील ऊपर से गई वो प्रसाद छूट गया, प्रार्थना करती हुई माँ अंजना के हाथ पे गिरा, माँ अंजना ने खा लिया, जिससे हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। तीनों रानी सगर्भा हुई, जा दिन ते हरि गर्भैया आए, जा दिन ते हरि गर्भैया आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सारे जगत में सुख आ गया, संपत्ति बढ़ने लगी, हर व्यक्ति प्रसन्न, सरयू का नीर भी कल कल करता हुआ और अधिक बिल्कुल साफ, यज्ञों के धुएं यकायक बढ़ने लगे, मंदिरों की घंटियां पहले से ज्यादा बजने लगी, ज्यादा घंटियां गूंजने लगी, भक्त लोग भक्ति में और अधिक आनंद प्राप्त करने लगे, सारा संसार भक्ति के आनंद में डूबने लगे। गुरुदेव प्रतीक्षा करते हैं, रोज कहते हैं महाराज को बुलाकर, रानियों का ध्यान रखना, जाकर पूछना किसी चीज की कोई कमी ना हो, उनके मन में कोई किसी प्रकार का क्लेश ना हो, संस्कार तो गर्भावस्था में ही शुरू हो जाते हैं बालक के, गर्भवती महिला का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसके मन में जरा सा भी क्लेश नहीं आना चाहिए, वातावरण जरा सा भी खराब नहीं होना चाहिए। गुरुदेव समझाते हैं, महाराज सब रानियों का बड़ा ध्यान रखते हैं, किसी को जो चीज चाहिए वही पहुंचाते हैं। एक दिन गुरुदेव ने पूछा महाराज से, राजन कोई अंतर दिखाई दिया, कुछ लगा, कुछ प्रतीक्षा करते हैं, पता है एक दिन
ब्रह्म आएगा। महाराज ने कहा हां गुरुदेव, बड़ी विचित्र बात हो रही है मेरे महलों में, क्या हो रहा है? गुरुदेव मैं कौशल्या से पूछता हूं, तुम्हें कुछ चाहिए? गुरुदेव ने कहा है जो तुम्हें चाहिए मैं लाके दूंगा, किसी बात की इच्छा हो तो मुझे बताना। लेकिन कौशल्या जी कहती हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन करता है पद्मासन लगाकर बैठ जाऊं और भगवान का ध्यान करती रहूं, और किस चीज के लिए मेरा मन नहीं करता। गुरुदेव केकई तो हद करती है, मैं केकई से पूछता हूं तुझे कुछ चाहिए तो कहती है मेरा मन ऐसा करता है अपने भवन को छोड़कर मैं कौशल्या दीदी के भवन में जाकर रहने लगी, मैं कौशल्या दीदी की सेवा करूं। गुरुदेव एक सौत सौत को प्रेम तो कर सकती है, लेकिन इतना प्रेम कि वो सेवा करना चाहती है, कि कई बार बार कहती है मुझे कौशल्या दीदी के भवन में ही छोड़ दो, मैं उनकी सेवा करूं। गुरुदेव ने कहा राजन लगता है तुझ पे भगवान की कृपा होने वाली है, कोई बहुत बढ़िया आत्मा तेरे घर में जन्म लेने वाली है। ऐसे दिन बीतते रहे और वो दिन भी आ गया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पवच अभिजीत हरि प्रीता, सकल पवच अभिजी हरि प्रीता। नौमी तिथि आई भोर से भी पहले, अधरात्रि के तुरंत बाद ही महाराज की आंख खुल गई, कोई स्वप्न देखा, तुरंत तैयार हुए और भोर में ही दौड़े गुरुदेव के पास। गुरुदेव उस समय भोर की वंदना के लिए सूर्यदेव की प्रार्थना करने के लिए जाने वाले थे, अपनी कुटिया से निकल रहे थे, महाराज ने चरण पकड़ लिए, चरणों में गिर पड़े, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। क्या हुआ राजन? गुरुदेव आज मैंने अभी अभी बहुत विचित्र सपना देखा, बहुत बढ़िया सपना देखा मैंने आज। क्या देखा राजन? गुरुदेव मैंने देखा मेरे घर के आंगन में बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत भक्त इकट्ठे हुए हैं, सब भजन कर रहे हैं, भगवान का जय जयकार कर रहे हैं। मैंने अपने हाथ से भगवान को स्नान कराया, मैंने अपने हाथ से भगवान के वस्त्र बदले, मैंने भगवान को नैवेद्य चढ़ाया, भोग लगाया, मैंने भगवान के लिए घंटी बजाई, मेरे आंगन में सारा काम हो रहा है। लेकिन जब भी मैंने देखा कि भगवान के अंदर से एक दिव्य दिव्य झांकी, एक दिव्य आकृति ऊपर निकली, और मैं विस्फारित नेत्रों से उस दिव्य ज्योति को देखता रहा, और वो दिव्य ज्योति धीरे 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 चलकर कौशल्या जी के महल में प्रवेश कर गई, तभी मेरी आंख खुल गई। गुरुदेव गुरुदेव ने कहा राजन मुझे लगता है तेरे घर भगवान आने वाले हैं। मेरे घर भगवान आएंगे? कब आएंगे गुरुदेव? काल के भी महाकाल हैं, समय तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है राजन बहुत जल्दी तेरे घर में भगवान आने वाले हैं। देख ये बात किसी को बताना मत, जा घर जा, किसी से मत कहना अपना सपना। राजन आए, अब तो दिन चढ़ाया है, धीरे धीरे मध्य दिवस लगभग 11 बजे का समय होगा। कौशल्या जी ने दासी को बुलाया, अरे सुन मेरा मन कर रहा है मैं भगवान के भजन में बैठूं, समाधि में बैठना चाहती हूं, देख तू घर के बाहर से दरवाजे की सांकल लगा दे, द्वार बाहर से बंद कर दे, बाहर रहियो, कोई आने ना चाहिए, किसी को आने मत देना। ऐसा कह के दासी को बाहर भेज दिया। मां पद्मासन लगाकर अपनी दोनों आंखें अपनी नाक के ऊपर स्थिर करके पद्मासन लगाकर भगवान का ध्यान करने लगी। जैसे ही भगवान का ध्यान करने लगी, ध्यान करने बैठी, उसी समय सारा कमरा ज्योति के प्रकाश से लबालब भर गया। मां ने घबरा कर आंख खोली, एक दिव्य ज्योति कमरे में प्रकट हुई। मां ध्यान से देखने लगी, देखते देखते उसी ज्योति में से एक बहुत सुंदर गदा शंख चक्र पदम हाथ में लिए हुए भगवान विष्णु की झांकी उस तक्ष में प्रकट हो गई। मां देखती रही, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित पारी।
हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध गुजचारी विभूषण बन माला नयन बिसाला शोभा सिंधु खरारी दुई कर जोरी स्तुति त्योरी माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावहिं श्रुति संता सोम महित लागी जने अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता। भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, पांच मिनट रुक जाएं। पहले जन्मवंदन भी भगवान आए हैं, अभी राम का प्रागट्य नहीं हुआ, अभी भगवान का प्रागट्य हुआ है। ध्यान से सुने, जल्दी ना करें। भगवान का सुंदर स्वरूप कौशल्या जी के कक्ष में उपस्थित हो गया। मां ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं, कहीं दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि कर हूं अनंता। हे अनंत, हे परमपिता परमेश्वर, तुम्हारी स्तुति कैसे करूं। भगवान ने कहा, मां आज स्तुति कराने नहीं आया हूं, और आज तो मैं तेरा बालक बन के आया हूं। मेरा बालक बन के आए हो आप? बालक के रूप में नहीं, आप तो पिता के, परमपिता के रूप में आए हो। कौन कहेगा आपको बालक? अच्छा मां, क्या करूं? अरे बालक तो इतना बड़ा थोड़ी होता है। क्या करूं मां? तजहु तात यह रूपा। ऐसा करो, देखो आप इस रूप को छोड़ दो, इतने बड़ा बालक नहीं होता। अच्छा मां, छोटा बन जाऊं? हां छोटे बन जाओ। भगवान तुरंत छोटे से बनकर खड़े हो गए। आप ठीक है मां? अरे नहीं नहीं, ठीक कहां है? आपके चारों भुजाओं में क्या बालक की चार भुजा होती है? कोई क्या कहेगा, कौशल्या का बालक चार हाथ वाला है? कोई नहीं कहेगा, सब हंसी उड़ाएंगे, बालक ऐसा नहीं होता। और मां दो हाथ वाला? हां, भगवान के दो हाथ तुरंत अंतर ध्यान हो गए। ठीक है मां, आप तो ठीक है। अरे नहीं नहीं, ये शस्त्र लेकर कौन आता है? कोई बालक आता है शस्त्र लेकर आता है क्या? ठीक है मां, शस्त्र अंतर ध्यान हो गए, अब तो ठीक है। अरे नहीं नहीं, अभी ठीक नहीं है। बालक आता है तो क्या इतनी सुंदर पोशाक पहनकर आता है, इतने सुंदर वस्त्र पहनकर आता है? अच्छा मां, भगवान ने कहा, और भगवान की जो सुंदर वस्त्र हैं, सुंदर अलंकार हैं, सब भगवान के अंतर ध्यान हो गए। छोटे से बालक बनकर हां गोद में बैठ गए। ठीक है मां, अब तो तेरा बालक हूं। बोले बालक तो हो, लेकिन बालक ऐसे थोड़ी बात करता है। कीजे शिशु लीला, जैसे बच्चा व्यवहार करता है ऐसे करना चाहिए। कीजे शिशु लीला, शिशु की तरह आप रोइए। और भगवान ने सुना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई पालक सुर भूपा यह जरी तिजे गावई हरि पद पावई तेना पर ही भव कूपा। अब तो भगवान ने गोद में लेट के जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और जैसे रोने की आवाज हुई बाहर दासी घूम रही है। उसको थोड़ा सा संदेह हुआ, उसने तुरंत द्वार खोले, अंदर आई। अंदर आकर देखती है एक बहुत सुंदर दिव्य बालक माँ कौशल्या की गोद में है। एक तक अपलक वो दासी उस बालक को निहारने लगी। माँ कौशल्या ने देखा कि दासी मेरे बालक को निहार रही है, तुरंत अपने गले से बड़ी कीमती माला निकाली और अपने बालक के ऊपर वार फेर करके कहा, ले ले दासी ले। दासी दो कदम पीछे हट गई। नहीं माँ नहीं, आज नहीं लूंगी, आज तो मन की इच्छा पूरी हुई है, मैं भी अपनी मन की इच्छा पूरी करूंगी, आज तो जो मेरे मन को भाएगा वो लूंगी। अच्छा अच्छा चल, जो तेरे मन को भाए वो ही ले ले, बता क्या दूं तुझे। माँ अगर तू सचमुच मुझे देना चाहती है तो बस एक काम कर दे। क्या?
बस एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए इस बालक को मेरी गोद में पकड़ा दे। माँ कौशल्या ने दासी की गोद में बालक दिया, दासी ने अपने अंग में उस बालक को दबा लिया, मानो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। रोने लगी उस बालक को अपनी गोद में रखकर। दूसरी दासी आई, उसने देखा बालक को लेकर खड़ी है, दौड़ कर गई राजा के भवन के सामने, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। दशरथ जन्म दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, माना हो ब्रह्मानंद समाना, माना हो ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, बाजा बजाओ गाओ नाचो, बधाई बधाई बधाई। आप सब खड़े हो सकते हैं, बधाई गानी है, बधाई भैया बधाई। आज तो बधाई बजे रंग महल में, 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 रंग महल में रंग महल में बाजे बाजे बाजे, आज तो बधाई बजे रंग महल में, आज तो बधाई बजे रंग महल में, आज तो बधाई बजे रंग महल में, आज तो बधाई बजे रंग महल में।